को जिंदगी भर का ठेका दिया है क्या? करो उनके हवाले जिनका खून है, जिनकी औलाद है। हमारे का राही कौन है अम्मा? अगर उसकी माँ ना मरती तो वह कामरान मुझसे शादी करते? मैंने तुम्हें मना किया था कि कामरान से कहो पहले मारिया को ठिकाने लगाए, फिर तुमसे शादी करे। और आपने ये भी कहा था कि कामरान करोड़पति है, हाथ से ना निकलने देना। हाँ तो तुम कौन सा उसे अपने काबू में कर सकी? वरना चाहिए थी बीवियाँ तो बाद में भी सौतेली औलाद से जान छुड़ा लेती हैं। आपको नहीं पता अम्मा, कामरान की जान मारिया में थी। बड़ी जान थी, 2 महीने हो गए तुम्हें बेवा हुए हुए, मारिया पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। है अम्मा, अब ऐसी भी बात नहीं है, हस्ती खेलती बच्ची बिल्कुल चुप सी हो गई। अच्छा अच्छा, ज्यादा ममता जगाने की जरूरत नहीं है। सौतेली औलाद को अपने साथ चिपकाओगी ना तो फिर तुम्हारी शादी वादी नहीं होगी। वैसे भी मारिया भी ना समझे, अगर उससे भी जान छुड़ा लोगी तो फायदे में रहोगी, वरना बड़ी होकर उसे जायदाद की सुनगुन लग जाएगी और बाप का जो सारा वर्षा है ना वो हथिया लेगी, फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय हाथ बनने के। हाँ अम्मा, ये घर भी मारिया के नाम पर है। तो और मैं क्या कह रही हूँ, अरे भाई किसी तरह बैला फुसला कर ये बंगला अपने नाम करा लो, फिर मारिया को किसी के पल्ले बांध दो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम जल्दी आ गई? वो एग्जाम चल रहे ना इसलिए। अच्छा तुम जाके मुँह हाथ धो लो, पास में तुम अभी खाना निकाल के देती। शादी के कदम तो हो गई है, तुम्हें पता नहीं क्यों छुट्टी लगती है। हाँ लेकिन शादी की उम्र तो नहीं हुई उसके लिए। हाँ घर में बिठा के पक्की औरत कर लो, फिर लिखवा लेना जायदाद अपने नाम, देखती हूँ मैं कैसे दस्तखत करती है। फिर ये ना आप ही देखो, अभी मारिया स्कूल में, फिर ये कॉलेज चली जाएगी और जब लड़कियाँ कॉलेज चली जाती हैं तो उनके पर लग जाते हैं, फिर ये तुम्हारे काबू नहीं आएगी। यही वक्त है, मान लो मेरी बात। लेकिन अम्मा मैं रिश्ता कहाँ से लाऊं उसके लिए? पहले वकील बुलाकर इस बंगले के कागजात अपने नाम कराओ, फिर आगे के रास्ते भी बताती रहूं। यार प्लीज अब तो एग्जाम से खत्म हो गए, 2-3 दिन के लिए चलो ना मेरे घर। 2-3 दिन और क्या, 4th लेन में तो घर है मेरा, कौन सा यूके बुलवा रही हूँ। नहीं यार समझा करो, अंकल जब थे तो उन्होंने कभी मना नहीं किया मेरे घर आने को, उनकी डेथ के बाद तुम ज्यादा मोहताज नहीं हो गई? पापा की जान थी ना, मम्मी बहुत अच्छी है तो आप कह सकती हैं मेरी, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो, इसलिए वो जैसा कहती है मैं वैसा ही करती। तुम कहो तो मैं बात करूँ उनसे। नहीं प्लीज तुम कुछ मत कहना मुझे, ना तुम खुद परमिशन लेती हो ना मुझे लेने दे रही हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक का कुछ प्लान रखती हूँ। नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पर नहीं हूँगी, मम्मी के साथ 1 महीने के लिए यूके जा रही हूँ। क्यों खैरियत? हाँ बस एग्जाम की थकन उतारने। मैंने जिस जिस जगह निशान लगाए हैं उन पे आप दस्तखत करवा लीजिएगा। तो इसके बाद तो मारिया की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं कोर्ट में तो जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं तो। हाँ मैं नहीं चाहती कि उसको कोर्ट के चक्कर लगवाऊं। बस फिर रहने दीजिए, मैं काम की सेटिंग बना लूंगा, बस आप हमारा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके नो प्रॉब्लम, बस आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि काम पक्का होना चाहिए। इसमें कौन सा 2 नंबर काम, सीधा सीधा ट्रांसफर का केस है, हो जाएगा, सिर्फ वारिस के दस्तखत की जरूरत थी वो आप करवा देंगे। अल्लाह खैर सल। ओके डन। अच्छा तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। अरे आप चाय तो पी के जाते? नहीं नहीं पहले आपका काम हो जाए, फिर चाय भी पियेंगे और आपसे खाना भी खाएंगे। जरूर। अल्लाह अल्लाह।
मारिया, आपने क्यों जहमत की, मुझे बुलवा लिया होता। अरे तुम कौन सा दूर बैठी थी, वैसे तुम्हें पढ़ पढ़ के रुचि नहीं पड़ता, एग्जाम तो खत्म हो गए, कुछ आराम कर लेती। नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कुछ पढ़ लूं। हमारे वो अभी वकील साहब आए थे, प्रॉपर्टी टैक्स और तुम्हारे पापा का डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे थे, तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए, कुछ ट्रांसफर के मामला थे। वकील साहब तो कह रहे थे कि मैं तुम्हें कोर्ट भिजवा दूं, लेकिन मैंने कहा जो कुछ करना आप यहीं करें, मैं नहीं चाहती कि मारिया कोर्ट के चक्कर लगाए, धक्के खाए। वैसे भी अगर प्रॉपर्टी के मामला में देर की जाए ना तो बाद में बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। ये एक यहाँ, एक यहाँ और एक, रात के 2 बज रहे हैं, अब सो जाओ, वैसे भी तुम्हें सुबह उठने की आदत है। अम्मा ये ले, सारा काम हो गया, एक हफ्ते में सारे पेपर्स मिल जाएंगे। अच्छा तो बस तुम अब फौरन मारिया की शादी कर दो। आप तो शादी को खेल समझती हैं, कहाँ से रिश्ता लाओ, कौन देगा चेहरे। उफो, तुम टेंशन क्यों लेती हो, पहले सुकून से मेरी बात तो सुन लो। जी बोले। वो जो कामरान का दोस्त था ना, जो अक्सर तुम्हारे घर आया करता था, क्या नाम था उसका, वो जो कामरान का पार्टनर भी था। हाँ हाँ वही वही वही, हाँ उसका क्या नाम, हाँ रहमत सलीम। हाँ मैंने सुना है कि वो रंडवा है, और तुमने बताया था कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं। हाँ अकेला तो है वो, बात हजम नहीं हो रही। अच्छा अगर तुम किसी नौजवान से उसकी शादी करोगी ना, तो ये इतना बड़ा बंगला देखकर ढेरों जहद की फरमाइश कर देगा वो, और आना जाना अलग लगा रहेगा। और अगर रहमत से शादी हो जाती है तो मारिया तो गुस्से के मारे आएगी नहीं यहाँ, और जब वो नहीं आएगी तो रहमत की क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ आने की, वैसे भी वो अकेला है घर में, खूब चोट उठाएगा मारिया। हाँ बात तो आप ठीक कह रही है, लेकिन अम्मा पता नहीं रहमत इस रिश्ते पर राजी होगा या नखरे दिखाएगा। अरे लो उसकी तो लॉटरी निकल आएगी, राजी क्यों नहीं होगा। और अगर खुदा न खास्ता उसने इनकार भी कर दिया तो ये जो तुम्हारी अम्मा है ना, ये ऐसे हजारों बुड्ढे ढूंढ लाएगी जो सर झुका के हाँ करेंगे, जनाब क्या समझती हैं आप अपनी अम्मा को। तुम्हारा जवाब नहीं, क्या क्या सोचती हो आप अम्मा क्यों मैं। ये भी बात सही है। जी मामा आपने बुलाया था। हाँ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, बैठो। जी कहिए। देखो तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, बुरी भली बात समझ सकती हो, तुम्हें तो पता है कि कामरा मुझसे शादी के 6 महीने बाद हादसे का शिकार हो गए। जी असल में देखो मैं जवान हूँ, एक लंबी उम्र पड़ी है मेरे सामने, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं शादी करूँ, लेकिन जिससे मैं शादी करूँगी ना वो तुम्हें कबूल नहीं करेगा, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम इस घर में अजनबी बनकर रहो, और फिर शादी के बाद मैं तुम पर भी नजर रखूँ और अपने मियाँ पर भी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी शादी से पहले मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। मेरी शादी? क्यों तुम्हारी शादी, तुमको इतनी छोटी तो नहीं है, देखने में तो अच्छी खासी जवान लगती है। लेकिन मामा मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या शादी के बाद सारे स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, शादी के बाद तुम पढ़ लेना, तुम्हें कोई भी मना नहीं करेगा। मैं प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखो अब तुम बिला वजह की जिद मत करो, शादी तो मैं बहरहाल तुम्हारी करूंगी, अब तुम रो पीट के करो या हंसी खुशी, ये तुम्हारी मर्जी है। अभी मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज। कितनी गिरी अब बार।
श्याम आप बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। मारिया महिला की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये तो इसकी शराफत है कि ये उसे इज्जत से घर से रुखसत करना चाहती है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने मारिया के ददियाल वालों से पता किया था, कोई भी उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। जवान बेटी की जिम्मेदारी उठाने से सब डरते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको बुलवाया है। मारिया खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, एक से एक रिश्ता मिल सकता है, मगर बाहर के आदमी का क्या भरोसा, उसके साथ कैसा सलूक करे। जी बिल्कुल। और देखिए मारिया कम उम्र है, उसको तो बहुत समझदार आदमी की जरूरत है जो उसे इज्जत और मोहब्बत से बीवी बना के रखे। हमने आपको इसलिए बुलवाया है कि आप मारिया को निकाह में ले लें। क्या कह रही हैं आप? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है भाई? देखिए, हमें आप पर भरोसा है, और वैसे भी आप अकेले हैं, मारिया को इससे अच्छा घर नहीं मिल सकता। प्लीज आप लोग ये फजूल बातें बंद करें। आपको मेरी और मारिया की उम्र का भी ख्याल नहीं है, वो मेरी बेटियों के बराबर है। देखिए अहमद, हमने आपको इसलिए बुलवाया था कि आप हमारी फैमिली से बहुत क्लोज हैं। अगर आप इनकार कर देंगे तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं है। मेरा अपना जेठ है, बस थोड़ी सी उम्र ज्यादा है, मगर प्यारा है। देखिए बात सारी भरोसे की है। अगर आप मारिया को चार आदमियों के साथ निकाह प्रवास के लिए जा सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, वरना कल शाम तक हमारे पास ऑप्शन बहुत सी है, किसी के साथ भी दो बोल पड़वा से रुखसत कर देंगे। कल सुबह तक हम आपके फोन का इंतजार करेंगे, वरना फिर वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। मैं कह रही थी ना कि बुड्ढा मान जाएगा। अरे माँ, मैं मान लिया। कब नासिर हो रही है अल्लाह की रहमत। भाई वो कह रहा था कि असर की नमाज के बाद काजी और चंद लोगों को लेकर घर आ जाए। अच्छा, मैं जाके मारिया को बताती हूँ जब तैयार हो जाए। अरे क्या जरूरत है बताने की, बता दो। लेकिन ये नहीं बताना कि उसका निकाह किससे हो रहा है। लेकिन मम, छुपाने की क्या बात है? अच्छा है, वो माइंड अपना मेकअप कर लेगी, और वैसे भी इतने दिनों से तो रहमत हमारे घर आता जाता ही था, कुछ अंडरस्टैंडिंग तो होगी। अच्छा ठीक है, बता देना, लेकिन शाम को बताना जब वो तैयार हो जाए। देखो तुम्हें पता नहीं है, ये मीडिया की आजादी ने सबको आजाद कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मदद के लिए फोन करके किसी को बुला ले। ये तो आप सही कह रही हैं, इस तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं गया। यही तो फर्क है तजर्बे का, तुम अपनी उम्र गुजार रही हो और हम तुम्हारी वाली उम्र गुजार रहे हैं, इसलिए हमें सब रास्ते पता है। अच्छा अम्मा, अब मेरी शादी में कितना वक्त लगेगा? अरे तुम्हारी ऐसे जान छुड़ा, कल ही तेरी शादी हो जाएगी। अम्मा बोला तो आप जैसे। शुक्र है ये मामला तो निपटा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि इतनी जल्दी तुम्हारा रिश्ता आ गया, वरना तो लड़कियां घर की दहलीज पर बैठी बैठी ही बूढ़ी हो जाती हैं, और खास तौर पे सौतेली औलाद तो रुली जाती है, कोई नहीं पूछता हूँ मैं। अच्छा तुम उसे जल्दी से तैयार करके लेके आओ, मैं नीचे जा रही हूँ, निकाह होने वाला है। अरे बैठिए बैठिए, बस 5 मिनट और लगेंगे, बच्ची तैयार हो रही है। आप निकाह की तैयारी कीजिए उस वक्त तक। माना कि तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने की है, लेकिन
शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो, तुम्हें पढ़ने से तो कोई नहीं रोकेगा। और वैसे भी बड़ी उम्र के मर्द नौजवान बीवियों का बहुत ख्याल रखते, बहुत चोचले उठाते हैं उनके भी। अब बड़ी उम्र 100 साल तो नहीं होती ना, तुमने देखा हुआ तो रहमत को, तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। अब क्या तुम्हारे पापा बूढ़े थे? 50-55 साल का बंदा तो फिट होता है भाई। और वैसे भी रहमत के पास तो इतनी दौलत है कि सारी उम्र जवानी और फिटनेस आसपास मंडलाती रहेगी। फिर तुम तो ऐसे नखरे कर रही हो जैसे खानदान के सारे लड़के तुम्हारे पीछे मर रहे थे। किसी ने पलट के एक दफा भी तुम्हें देखा? किसी ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा? ये तो मेरा ही जर्फ है कि तुम्हें मैं रुख्सत कर रही हूँ, वरना दारुल अमान में जाकर छोड़ भी सकती थी। अब तुम्हें इतना अच्छा तैयार कर दिया कि तुम्हारा दूल्हा तुम्हें देखता रह जाएगा। मैं बस आती हूँ हाथ धोकर एक मिनट में, तो ड्राइंग रूम में चलते हैं, निकाह शुरू होने वाला है। देखो मारिया, मैं तुमसे कहते ये क्या कर रही हो? और आपने क्या किया? क्या किया आपने? अंकल कहती थी ना मैं आपको, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप मेरे साथ क्या ताल्लुक जोड़ने जा रहे हैं। मारिया क्या कर रहे हैं हमारा? आपको जमाने की भी फिक्र नहीं कि लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग हंसेंगे आप पे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ? क्या मिल गया आपको? क्या मिला आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके? बोले क्या मिला आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके?
शायद मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुमसे शादी जरूर की है, लेकिन लेकिन तुम्हें बचाने के लिए। अगर मैं तुमसे निकाह ना करता तो तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से कर देती जो वाकई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम मेरे मरहूम दोस्त की बेटी हो और मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा। देखो, अब तुम्हें कोई फिक्र कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस जो समझो कि तुम्हारा बेडरूम बदल गया, बाकी बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। तुम वैसे ही स्कूल जाया करोगी जैसे पहले जाती थी। ये तुम्हारा अपना घर है, जैसे जी चाहे रहो। गाड़ी है, ड्राइवर है, खाना बनाने के लिए मुलाजिम है। तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। बस सबके सामने तुम मेरी बीवी हो, ताकि तुम्हारे साथ रहने का जवाब बन जाए। वरना तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी। मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कोई डिमांड नहीं करूंगा। तुम अपनी लाइफ भरपूर आजादी और अपनी मर्जी से जियो। ठीक से दूध पी लिया। वापस आई तो सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज तुम्हारे घर से हुई। भाई इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें शादी की? मुझे तो लगता है तुम्हें ख्वाबों का शहजादा मिल गया जिसने जरा भी इंतजार नहीं किया और तुम्हें उड़ा कर ले। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा तो फिर क्या था? अच्छा इन बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ आज अपने हस्बैंड से मिलवा रही हूँ ना, क्या करोगी उनसे मिलकर? क्या करोगी उनसे मिलकर? उनका रिकॉर्ड बताऊंगी और क्या। कहीं तुम्हें उन्हें देखकर मायूसी ना हो। क्यों, क्या वो काले मोटे और गंजे तो नहीं है? अभी आएंगे वो मुझे लेने, तब मैं लेना हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं आ गया। जी मैं आ रही हूँ। ओके जानता हूं तुम्हारी सहेलियां तुम्हें मेरे नाम से छेड़ती हैं, सब रिकॉर्ड लगाती है, लेकिन तुम किसी का जवाब मत देना। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो रखना, किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि काबिलियत खुद हर सवाल का जवाब दे देती है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा MBA का ख्वाब पूरा हो जाए। तुम्हारी स्टेप मदर ने कभी फोन नहीं किया? अब तो उन्हें शायद तुम्हारी याद भी ना आए।
पर मैं उन्हें कैसे भूल सकती। क्या जरूरत है माजी की तलखियों में रहने की। मेरा ख्याल है कि तुम अब ज्यादा पुरसकून हो, अपने जहन को भटकने मत देना, वरना तुम अपने एम से दूर हो जाओ। पिछले चार सालों में तुमने पहली दफा आज कार बड़े कॉन्फिडेंस से ड्राइव की। ये बात आपने मुझे एक महीना पहले भी कही थी। तो फिर मेरी बात की तस्दीक होगी कि मैंने बात सच कही। अच्छा ये बताओ कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारी सेलिब्रेशन की जो डेट थी वो कंफर्म होगी। डेट तो कंफर्म नहीं है, बट हाँ वीक कंफर्म है और इसी वीक सेलिब्रेशन भी है, और उस दिन आपको अपनी कोई मसरूफियत नहीं रखनी। अरे लो, ये तो प्रॉमिस मैं पहले ही कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। और उस दिन मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। उस दिन तो तुम वो बात आज कर लो ना। सॉरी, वो बात तो मैं आपको उसी दिन बताऊंगी। ठीक है भाई, तुम रखो सस्पेंस, ऐसा ना हो कि खोदूं पहाड़ और निकले चूहा। आप बेफिक्र रहिए जी, इस बार मैं पहाड़ खोदूंगी और पहाड़ ही निकलेगा। Really? Yes. वारन, तुमने भी शौहर होने का खूब हक अदा किया। चार साल तक बीवी को बच्चों की तरह पालने और संभालने में गुजारती, जमाने की हंसी तुम्हारा पीछा करती रही और तुम किसी को खातिर में नहीं लाए। दोस्तों ने मजाक उड़ाया और तुम नजरें छुड़ाते रहे। ठीक है, वो उस वक्त कम उम्र थी, मगर अब तो नहीं है। मैं मारिया से सुबह बात करूंगा, जरूर करूंगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तो आज मेरी यूनिवर्सिटी कन्वेंशन भी मेरे साथ है ना? जी हाँ, मुझे याद है। और मुझे ये भी याद है कि आज तुमने मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको याद है? ऑफ कोर्स, इसलिए कि आज मैंने भी बहुत जरूरी बात करनी है। तो कहिए ना। नहीं, मेरा ख्याल है देर हो रही है, तुम नाश्ता तो करो ना। और एक तो आप सस्पेंस बहुत फैलाते हैं।
कहाँ है तुम्हारे अंकल जी? आज नजर नहीं आ रहे? वो मेरे लिए जूस लेने गए। ओहो, शोहर हो तो ऐसा है कि इशारे पे जान छिड़क देने वाला। तुम नहीं जानती उस शख्स को, इंसान नहीं फरिश्ता। तो पता है, अगर शोहर के सामने सजदा करने की इजाजत होती ना तो शायद मैं उनके सामने सर भी झुकाती। ओहो, तुम तो बिल्कुल ही मश्र की बीवी बन गई, फिल्मों से भी ज्यादा। तुम नहीं जानती रहना, इंसान में फरिश्ता है। और खुदाया, अब इतनी ज्यादा शोहर पर रखती मुझसे बर्दाश्त की जाए। तो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सिर्फ इतना ही जानती हूँ ना कि मेरी उनसे शादी हुई थी। तो और क्या तुम्हारी लाइफ में? मैं 4 साल से रहमत के निकाह में, मगर आज तक हम दोनों के बेडरूम से लेते हैं। क्या मतलब? जब रहमत मुझे ब्याह कर लाए थे तो उन्हें भी अंदाजा था कि ये बेजोर से शादी है और हमारी शादी ज्यादा से तक नहीं चल पाएगी, मगर उन्होंने कभी भी मुझ पर अपना हक नहीं बताया। बिल्कुल वैसे ही जीने दिया जैसे मैं जीना चाहती थी। ये कैसी शादी है? शादी के 3 साल तक मैं तलाक के बारे में सोचती रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे अपना रिश्ता बहूँ। मगर आखिरकार रहमत के रवैये को देखते हुए मैंने यही सोचा कि क्यों से क्या होता है। असल चीज तो मोहब्बत और तवज्जो होती है। मुझे नहीं लगता कि रहमत जैसा कोई दूसरा शख्स होगा पूरी कायनात में कि मेरा इस तरह से ख्याल रखे, इस तरह से मोहब्बत है। इसलिए आज मैंने यही फैसला किया है कि जिंदगी का सारा हिस्सा मैं उन्हीं के साथ गुजारूंगी, एक अच्छी बीवी बनकर। हेलो जी, रहमत मैं आ रही। तुम्हें पता है, अब तो मुझे रहमत से ज्यादा इंतजार करवाना भी अच्छा नहीं लगता। I'm so happy! And finally, आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती। I'm so happy! God! मरियम, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मैंने जो सोचा था वो आज हो गया। जब तुम प्यार के इस घर में आई थी, तुमको तुम्हारी सतेली माँ से बचाने के लिए खुद को पेश किया था। अगर मैं ऐसा ना करता तो न जाने तुम पर क्या गुजरती। मैंने भी जमाने के तन सहे। लोगों ने मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी नजरों में तुम्हारे वो ख्वाब थे जिन्हें मैंने पूरा करना था। मैं जानती हूँ। अगर तुम सब जानती हो तो बताओ आज मैं तुम्हारे लिए क्या प्रेजेंट लेके आया हूँ। मेरा फेवरेट परफ्यूम। मैं जब तुम्हें ब्याह कर लाया था तो मैंने अपने आप से अहद किया था कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाकर खुद वापस चला जाऊंगा। ये इसमें तुम्हारी निजात का फरमान है। मेरी तरफ से तुम आशिया था।
खोली है मैंने, कितने गिरहें अब बाकी हैं।